हे गाइस, आज करने जा रहा हूँ डेनियस फिशिंग। और क्यों करने जा रहा हूँ, बहुत लोग की गलतफहमी को हटाने वाला हूँ कि यार डेनियस नाली में मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं और डेनियस तो बहुत कॉमन होते हैं। नहीं गाइस, आपको डेनियस का एक्चुअली में जो ब्यूटी नहीं पता, मैं आज पकड़ के आप लोग को सामने दिखाने वाला हूँ कि डेनियस एक साथ अटने से इतने फास्ट स्विमर्स होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट स्विमर्स अगर बोला जाए तो डेनियस मैं बोल सकता हूँ। अगर आप टैंक में रखोगे प्लांट सेटअप में तो मजा आने वाला। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं प्रो हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ दो ले लिया है। आज सोलो फिशिंग होने वाला है, दो यानी कि फिश नेट ले लिया। इन दोनों से हम डेनियस पकड़ने वाले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड इसमें मैं लेने वाला हूँ प्लांट्स और डेनियस को पकड़ के इसमें रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेनियस के अलावा कुछ फिश मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। आज मुझे सिर्फ डेनियस की ही फिशिंग करनी है। ए भाई हेलो, वीडियो कैसे बने रहो। बहुत मस्त लोकेशन पे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आज कम से कम दो से तीन लोकेशन पर विजिट करने वाला जहाँ पे खूब सारे डेनियस एंड प्लांट्स मिले। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इतने सारे ग्लास मैंने कटवा के रख दिए, खुद बनाना है। ये सारे के सारे बनने वाले प्लांटेड सेटअप्स, वेट करते रहो, आने वाला वीडियो। वैसे यार काफी दिनों के बाद निकले हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये जगह। राइस एक टाइम ये पूरा ग्रीन हुआ करता था और अभी आप देख पा रहे हो दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ आप राइस प्लांटेशन देख पा रहे हो जो अभी अभी जो है सूखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ और प्लांटेशन होने वाला है और यहाँ पे देखो कुछ नया चीज बोया गया है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ, जैसी बारिश आएगी तो गाइस और भी फिशिंग करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे भले सोलो फिशिंग ही क्यों ना करो यार, अकेले क्यों ना घूमो, आपको मजा आ जाएगा गाइस। आपको किसी साथी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यार नेचर एंड यू, आपको और क्या चाहिए। सारे राइस निकाल लिए गए हैं और अभी फैक्ट्री में चले गए, देख ही पा रहे हो आप। हम लोग इवन यहाँ पे भी फिशिंग करने के लिए कितने टाइम आए हैं, सुब्रजीत के साथ, दीप ज्योति के साथ, ये सारी जगहों पर। अभी पानी यहाँ पे सूख चुका है, ये एक ना बहुत बड़ा रिवर से कनेक्टेड है और अभी यहाँ पानी है नहीं। इवन इस साइड में भी देखो पूरा खाली हो चुका है। ये देखो इधर, यहाँ पे हमने काफ़ी कैटफिश वगैरह पकड़ा था। आप लोगों को मैं हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो हम लोग करते भी थे। जो लोग जुड़े हुए मेरे चैनल के साथ वो तो डेफिनेटली इनको पता ही कर पाएंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन सी फिशिंग की बात कर रहा हूँ। जो भी है आगे चलते हैं और देखते हैं रिवर में क्या है। और तो और देखो एकदम खाली खाली, बहुत मज़ा आता है गाइस। नेचर के बीच में से होके जाते हुए बहुत मज़ा आता है। टाइम देखो 11:30 बज रहा है, मेरे को 2 घंटे में सब काम निपटाना है। दोस्तों तो ये है हमारा पहला लोकेशन, ठीक है। चलते हैं नीचे और रिवर कुछ वहाँ पे है जहाँ पानी बहुत कम होता है और यहाँ पे यूजुअली आपको प्लांट्स काफ़ी मिलते हैं। सिल्वेनिया वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ पे एंड खूब सारे यहाँ पे डेनियस वगैरह मिल सकता है। आज देखते हैं यहाँ पे है क्या, पूरा खाली खाली है। चलो आगे चलते हैं। तो रिवर की ओर तो आ चुके हैं, यहाँ पे क्या बनाया इन लोगों ने, ये पानी क्यों जमा किया यहाँ पे। पानी बहुत कम हो चुका है यार, यहाँ तक रहता है। ओह पानी बहुत कम हो गया, लेकिन एकदम क्लीन वाटर है। प्लांट्स भी मुझे कम ही दिख रहे हैं वैसे। देखो पानी तो बहुत ही क्लीन है। अब डेनियस किधर है ढूंढना पड़ेगा। ओ यहाँ पे डेनियस गैंग, देखो यार ये देखो, देख रहे हो। चलो मैं पकड़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पे डेनियस गैंग बहुत है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। अगर आप समझ से देखो, ये देखो 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 सब भाग रहे हैं। पकड़ते हैं पहले। चलो एक ही बार में आए तो काफ़ी सारे हैं। अरे आजा भाई, मैं इनको काफ़ी स्लोली उठा रहा हूँ। दिन यहाँ पे भी है, चार। एक तो इतना शान शान जंगल है, ट्रिप तो ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगा। प्लांट्स भी काफ़ी है, देखो ये सारे अच्छे प्लांट्स हैं, रिवर में ही हो रहे हैं। फिर आगे जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। ओ तेरे यहाँ पे क्या बड़े बड़े फिश हैं यार, ये कैसे पकड़े हैं। श्रिम्स आए छोटे छोटे, मस्त अजोला है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी का अजोला। ओ वहाँ पे ना जा रहा हूँ गाइस, वहाँ पे जो अजोला देखा है ना मैंने, वाह यार अजोला का पूरा ऐसा लग रहा है कल्चर हुआ है यहाँ पे, या कल्टिवेशन वैसा कुछ लग रहा है। माई गॉड क्या क्वालिटी है यार, कैन यू बिलीव गाइस, पूरा एक ऐसा आइलैंड जैसा लग रहा है छोटा सा। अजोला देख रहे हो, क्या फेक लग रहा है क्या आप लोगों को, रुको
ये देखो यार, गुड क्वालिटी। ओह फिश भी बहुत बड़े बड़े हैं। एक मिनट ट्राई करता हूँ पकड़ने के लिए। मैंने यहीं पे देखा है, आई थिंक आया है कुछ तो। यार यहाँ पे एक बड़ा फिश देखा था मैंने, आई थिंक किली होगा वो। पर जो भी, बिगाड़ नहीं रहा हूँ, अजोला मेरे पास बहुत है। और यहाँ पे देखो पूरा अजोला से भरा हुआ है। ठीक है, मैंने इसी के अंदर देखा है गाइस। ये देखो 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 देखो, आ गया आ गया। मैंने बोला ना, ये तब से ढूंढ रहा था मैं इसको। और ये कौन सा है? वो ये फ्लाइंग बार्ब है। वेट वेट वेट, अच्छा साइज है, बहुत बढ़िया साइज है। देखो इसको चाकर रख देते हैं। मैं इसको हाथ में नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी अकेला हूँ ना, तो कहीं कूद गया ना तो गया। बहुत खूबसूरत सा है। मैं बता, यहाँ पे खूब सारे फिश है, खूब सारे फ्लाइंग बार्ब तो भरे। ओ बाप रे, कितने सारे यहाँ पे गैंग में घूम रहे। चल आ जा, बकेट लेके नहीं गया था। अरे तू मर तो नहीं गया ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो यार मस्त लगता है ना। एक बहुत अच्छा सा वुड मिला है, जस्ट ये आपका आई थिंक रूट है कुछ तो रहेगा। एकदम परफेक्टली सूखे, इसको मुझे जाके बस बॉईल करना है, अच्छे से यूज़ करना है। इसको मैं इस तरीके से रखने वाला हूँ, मतलब इतना पूरा ढक जाएगा सॉइल से, और इसका ऊपर का पोर्शन यहाँ रहेगा। यहाँ पे हम लोग जावा मॉस वगैरह लगा सकते हैं ना, या फिर तो जावा फर्न, देखते हैं। ऐसे तो बहुत है पर मैं कुछ सिलेक्टिव ही लेता हूँ। तो दोस्तों अभी चल रहा दूसरे लोकेशन पर। यहाँ पे मैंने कितने पकड़ लिए, ऑलमोस्ट 10 ना, आई थिंक 10 है। और दूसरे लोकेशन पर बहुत ज़्यादा फिश है क्योंकि वो एक रिवर होने वाला है, तो चलते हैं उस रिवर पर। और ये भी एक रिवर से आया हुआ है लेकिन यहाँ पानी थोड़ा सा कम है। अभी चलेंगे आगे, वहाँ पे एक और लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस, वहाँ पे हमको मिलेगी। तो चलते हैं आगे वाले लोकेशन पर। पानी इतना साफ़ है ना कि कोई टेंशन ही नहीं है यार, नेट ऐसे ही क्लीन हो जाता है। उठाता हूँ ड्रिफ्ट उठ, बाकी वो लेना पड़ेगा, छोड़ के गया था। चलो भाई, ये ड्रिफ्ट उड कुछ एकॉन टाइप नहीं लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ब्रो क्या कर रहे हो? दिस इज फिशिंग चैनल, लोगों को बोर मत करो। अरे सॉरी। एनीवेज गाइस, ये देखो लोकेशन, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। वहाँ देखो, मतलब वहाँ पे ना इतने प्लांट्स है। अभी वहाँ पे जाने वाला हूँ, खूब सारे प्लांट्स उठाने वाला हूँ। अजोला दिख रहा है मुझे, वाटर हाइसिन दिख रहा है मुझे, वाटर लेटस दिख रहा है मुझे, बहुत कुछ दिख रहा है। वहीं पे हमें डेनियस भी मिल जाएगा बहुत सारा। और इधर तो ज़बरदस्त खेती हुई है यार सरसों की, क्या लग रहा है, येलो येलो। एक बार जाकर देखता हूँ, मुझे ना सरसों की खेती बहुत पसंद है। आप लोग कैसा लगता है? वाह, आप लोग के अभी होता ही होगा ना, बहुत जगहों पर होता है एक्चुअली। लाइक सीरियसली दिल जीत लिया यार। यार ये कैमरे में कितना अच्छा कैप्चर हो रहा है, देखो नाइस। यहाँ हो रही है खेती, वहाँ है रिवर, और क्या चाहिए। चलो चलते हैं आगे। इसको तो मैं यहीं पे रख के जाने वाला हूँ, और ये पूरा उठा लेते हैं। चलो, बेस्ट पार्ट इज पानी बहुत कम हो चुका है, बहुत ही सही। ओ वाओ, इतने सारे हैं ना यार, देखो 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 गैंग, देखो आप, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी मुझे पकड़ना पड़ेगा, चाहता हूँ ट्राई करता हूँ पहले। हाँ गाइस, पकड़ने हैं डेनियोस और उठ रहे हैं छोटे छोटे बाब्स। देखो ये बाब्स के फ्राई है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, डाल ही देता हूँ। जा भाई जा। तो उससे यहाँ पे रिवर है, तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है देखो, हल्का सा। और कलर देखो, एकदम ब्लू स्ट्राइप्स, मतलब कि वाइट एंड ब्लू का है ना, खूबसूरत है। अच्छा अकेला ही पकड़ रहा हूँ, छोटे छोटे भी आए हैं कुछ। ये देखो कुछ कुछ के साइज़ तो काफ़ी बड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी सही हुए हैं। अभी तो इनको बड़ा होना बाकी है, मैं आपको जब ग्लास में दिखाऊंगा तब आप देखना। आई थिंक ये अभी तक का सबसे लंबा, मतलब बड़ा वाला डेनियोस है। देखो अच्छा ग्रो किया है, डाल दिया। गाइस देखो प्लांट्स, जन्नत पूरा, यहाँ पे हेवन है। तो अभी मैं यहाँ से लेने वाला हूँ ये इतने सुंदर वाटर लेटस है। बाप रे देखो यार क्या ग्रो कर रहे हैं, देखो। तो ऐसे मैं लेके जाने वाला हूँ काफ़ी सारे, यहाँ से लूँ क्या? ये भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीन ग्रीन। ये पूरा बंच ट्राई करता हूँ। देखो यार एकदम सही बन जाइए, ये बंच लेके जाता हूँ मैं, बहुत सारा है भाई। अजोला किसको चाहिए, भरा हुआ है यहाँ पे। मुझे तो अजोला की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, और क्या लूँ मैं, थोड़ा सा और ले लेता हूँ ऐसे। इनफ है ना, बहुत हो गया, पूरा सुपर हाई क्वालिटी वाटर लेटस। ओ वो वाले प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो के यहाँ पे, वो भी एक तरीके का बहुत अच्छा प्लांट है, वो इतना दूर कौन लेगा। ये देखो ये वाले भी काफ़ी सुंदर है यहाँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये लीव्स, ये खूबसूरत एक प्लांट है। नेक्स्ट टाइम लूँगा मैं,
लेकिन वो लेने का मन था यार, एक स्टैम्पिल हो गया ना उसका, आराम से ग्रो कर जाएगा। देखो क्या खिल-खिल के ग्रो कर रहे हैं यार। उधर भी है लेकिन कौन जाएगा अभी। देखो इस एरिया में कितने ज़्यादा है, देखो पूरा भरा हुआ है। मुझे वाटर लेटस चाहिए था, बाकी प्लांट्स मैं कल आऊँगा कलेक्ट करने के लिए। कल मैं यहाँ पे शायद फिशिंग नेट लेकर आऊँगा बड़ा वाला, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े फिश भी यहाँ पे, तो वो पकड़ना है मुझे। गाइस अभी एक तरीके ग्रास दिख रहा है आपको, ये वाला भी ना एक्वेरियम प्लांट के आप रॉक में लगा सकते हो ऊपर, मतलब कि ये वाटर के अंदर नहीं, ये वाले जो देख रहे हो ये डेकोरेशन के, मतलब कुछ सॉइल लगाकर आप लगा ही सकते हो एक्वेरियम में, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। देखो वो देखो कितना प्यारा है। गाइस एक्चुअली मैंने आप लोगों को अंडर वाटर शॉट भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने फिश है जो मुझे कल आना है या परसों आना है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फिश है गाइस, जो काफी बड़े हैं, और हम लोग फिशिंग नेट लेकर आएंगे ना डेफिनेटली बहुत सारे पकड़ पाएंगे। गाइस मुझे ना एक अंडर वाटर शॉट लेकर आप लोगों को दिखाना कि मैं कल क्यों आना चाहता हूँ, और आप लोग पास से भी देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ फिश। देखो अंडर वाटर शॉट यहाँ से हो गया। आप देखो इतना ज़्यादा है यहाँ पे, भाग रहा है एक्चुअली, पूरा भाग रही है। ठीक है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सब भाग गए अभी, सब भाग रहे, इतने ज़्यादा इतने बड़े बड़े फिश हैं यहाँ पे, यहाँ पे डेफिनेटली कराना पड़ेगा। फिर भी जाते हैं स्लोली, देखते हैं आगे, सब भाग ही गए एक्चुअली। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे आए हुए आधा घंटा हो चुका है और काफ़ी सारे डैनियोज मैंने पकड़ लिया है। अभी मैं घर पे चेकअप दिखाने वाला कि टोटल कितने सारे फिश हमने पकड़े हैं, और उनको ग्लास में डाल के भी दिखाने वाला कि डैनियोज कितने सुंदर लगते हैं। और कुछ प्लांट्स मैंने कलेक्ट किए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे डैनियोज है एंड प्लांट्स यहाँ पे है, ये अभी मैं लेके जाने वाला हूँ। एंड फिर कल या परसों मैं आने वाला हूँ नेट लेकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लाइंग बार्ब्स हैं बड़े बड़े, एंड रिवर बार्ब्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्लाइंग बार्ब्स चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ पे बहुत फ्लाइंग बार्ब्स हैं। एंड साथ ही मैं गाइस यहाँ पे इंडियन गार जो आप बोलते हो, मतलब छोटे बच्चे, मैंने काफ़ी सारे देखे लेकिन पकड़ नहीं पाया, नेट लेकर आया था, कल पक्का पकड़ेंगे, कल या परसों मैं लेकर आना फिशिंग नेट, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों ये वाटर लेटस लेकर आया, एंड कुल मिलाकर मैंने आज कितने होंगे यहाँ पे, लास्ट मैंने कुछ 10-15 पकड़े थे, यहाँ पे कितने होंगे 10-20-30 तक होंगे। ठीक है तो ये 30 कुछ डैनियोज हैं, चलो इनको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। एंड इन सबको पहले मैं यहाँ डाल दूँगा, ये हमारा रिवर फिश आउटडोर पॉन्ड है। ठीक है इसमें बहुत सारे रिवर फिश हैं, छोटे छोटे बरीला वगैरह बहुत है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है ये डकवीड हुआ है, अच्छी तरीके से पानी भरना पड़ेगा। और ये प्लांट देखो, ये फर्न, चलो कहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे डालना पड़ेगा अभी यार। वैसे बाद में इन फिश को ना मैं सब यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला हूँ, पानी भर देता हूँ पहले। तैयार है हमारा सेटअप, और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ टैनियोस, यहाँ पे टैनियोस डालने के बाद कितने ज्यादा खूबसूरत लगने वाले। आप लोगों को टैनियोस पसंद नहीं है ना, आज से आप लोगों को भी टैनियोस पसंद आने लगेगा। गाइस मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू हेट टैनियोस? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि टैनियोस नाले के कीड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को पता नहीं टैनियोस कितने सुंदर होते हैं, वो जब फुली ग्रो हो जाते हैं तब आपको देखना चाहिए। रुको पहले मुझे ट्रांसफर करने दो, उसके बाद बात करते हैं। तो कुछ हमने 30-40 फिश को यहाँ पकड़ लिया है, और इनको सब अभी हम रिलीज करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे आज के पकड़े हुए हमारे रिवर फिश है, जो भी रिवर डैनियोज आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे डैनियोज छोड़ दिए, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे मैंने पानी वगैरह सब एक्लिमेट कर लिया था, इसलिए सारे फिश को कोई शॉक नहीं लगा, और एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। सबके सब डैनियोज बिल्कुल एक्टिव है, एंड आप साइज देख रहे हो ये बिल्कुल एडल्ट नहीं है, अभी ये छोटे से थोड़े बड़े हुए, लाइक 3-4 महीने के होंगे, और एडल्ट होने के लिए इनको अभी और 2-3 महीना लगेगा। अगर आपने इनको एक बड़े टैंक में रखा है या फिर आउटडोर पॉन्ड में रखा हुआ है, तो गाइस आप इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से करवा पाओगे, अच्छा खाना दीजिए और सारे के सारे डैनियोज बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। और डैनियोज काफी हार्डी फिश होते हैं, जल्दी मरते भी नहीं है। तो गाइस देखा आपने, विल स्टिल हेट देम एंड कॉल नाली का कीड़ा, ऐसा मत करो, ये बहुत ज्यादा ही सुंदर है, आप लोगों को पता नहीं एक्चुअली। तो जो लोग शुरुआत में फिश रखना चाहते हैं, तो ये फिश आप 200 पकड़ लो, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा जाइए शॉप्स में, या फिर तो आप जाइए कुछ रिवर में, वहाँ से आप 100-150 तक 200 तक पकड़ लीजिए, और 1.5 फीट का टैंक बनाइए विथ प्लांटेड, और प्लांट्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप आजू बाजू से कलेक्ट कर लीजिए, और सैंड का कुछ बेस रखिए एंड इनको डाल दीजिए। आप एयर पंप वगैरह मत लगाइए, अगर लगाएंगे तो आपको कवरिंग करना पड़ेगा, एयर पंप से क्या होता है कूद जाते हैं, बहुत कूदेंगे, तो एयर पंप वगैरह मत लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फुली प्लांटेड सेटअप रखिए, और इन डैनियोज को छोड़ दीजिए। गाइस आप लोगों को और कुछ फिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आएगा वो इतना चमकते हैं ना, अगर आपने 200 रखा तो आप सोचिए गैंग में घूमेंगे, बिल्कुल ऐसे स्कूलिंग फिश होते हैं ना ये, तो सही में बता रहा हूँ डैनियोज को हेट मत कीजिए, वन ऑफ द वेरी मच फास्ट मूविंग फिश है ये, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैं तो अभी इनको कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कम से कम यहाँ पे कितने हैं 30-40 अंदर, मेरे पास अभी 40 कुछ तो फिश ऑलमोस्ट है उस टैंक के अंदर, तो इन सबको मिला दिया तो 100 के बराबर नहीं होगा, लेकिन मैं कलेक्ट करके एक डैनियोज का टैंक बनाने वाला हूँ, और आप देखना। एंड बिगिनर्स को मैं सही में बताऊँगा कि प्लीज़ डैनियोज से शुरू कीजिए ना एक बार, मज़ा आ जाएगा। अभी मैं इनको ढक देने वाला हूँ, क्योंकि अभी होने वाला अंधेरा, और इनको मैं आज यहीं पर रखने वाला हूँ, यहाँ पे इनको एंजॉय करने, कुछ भी नहीं होगा, एक भी फिश को कुछ नहीं होगा,
सारे के सारे फिश बिल्कुल सही रहेंगे। एंड खाना आज मैं इनको नहीं दूंगा, और खाने की अगर मैं बात करूँ तो गाइस नॉर्मल पैलेट से आप इनको खिला सकते हो आराम से। एक दो दिन अगर नहीं भी खाएंगे तो नॉर्मल पैलेट से शुरू कीजिए, ये खाना शुरू कर देंगे। एंड श्रिम्प्स खिलाइए, और फिर कुछ वॉर्म्स वगैरह जो ड्राइड रहते हैं वो खिला सकते हो, टीवी वैक्स वगैरह आराम से। गाइस कोई टेंशन नहीं है, ये फिश बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। अगर आपने 1.5 फीट का टैंक रखा ना इतना कुछ, या 2 फीट का ले रहे तो कोई बात ही नहीं है, ये फिश बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। उप्स, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट गिव अवे, लोग तो गाली दे रहे होंगे क्या कर रहा है तू, गिव अवे के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। मैं गिव अवे बहुत जल्दी करने वाला हूँ, जो मैंने लोकली ब्रीड किया है गप्पीज, और जो भी ब्रीडिंग में है एक्स्ट्रा हो चुके हैं मेरे पास गप्पीज में, वो सब लोकली मैं डिलीवर करने वाला हूँ गप्पीज आसपास, मतलब कि ठीक है असम के लोकेशन पे, पता नहीं देखते हैं। लोकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिलीवर करने के लिए मुझे फिर पैकेजिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो दूर के लोग जो है उनके लिए कुछ और सरप्राइज रहेगा, लाइक प्लांट्स रहेगा जो रिवर से कलेक्ट किए हुए फ्रेश प्लांट्स रहेंगे, या फिर तो ट्रिप टूट रहेंगे, या देखते बेटा फिश भी हम डिलीवर कर सकते क्योंकि वो मरते नहीं है आसानी से, और गप्पीस भी कर सकते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोकली तो मैं गप्पीस डिलीवर करने ही वाला हूँ, मतलब कि देने वाला हूँ, आई मीन मैं बुला लूँगा तुम लोगों को जो भी रहेंगे आसपास, जो भी जीतेगा एक्चुअली। और कि भाई कॉन्टेस्ट कब होने वाला है, उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सब डिटेल में आ जाएगा। मे बी थोड़ा टाइम रुक जाइए, आई थिंक कुछ दिनों तक बस, इसके बाद आ जाएगा। एंड गिव अवे बहुत जल्दी होने वाला है, तो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिनको गिफ्ट चाहिए, डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये था गिव अवे का अनाउंसमेंट, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक 1 वीक के अंदर ऐसा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बाय बाय, टेक केयर, कुछ नई वीडियो से जल्दी वापस आता हूँ, और बताना आप लोग कैसे वीडियोज देखना है। तो बाय।